नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के इस मेगा पॉलिटिकल शो में आप सभी का। आज मैं एक छोटा सा परिचय दूंगा और आप सभी अंदाजा लगाइए कि हमारे आज के मेहमान कौन हैं। जो अखबार में लिखते हैं तो खुद खबर बन जाते हैं, बयान देते हैं तो जहर बुझे तीर चलते हैं। जो एक जमाने में महाराष्ट्र के बड़े क्राइम रिपोर्टर थे, लेकिन कुछ वक्त पहले एक आरोप में खुद जेल चले गए, जिनके पास अब न शिवसेना का नाम है न बाला साहब के तीर कमान है। कौन है वो बताइए जरा मुझे। ठीक है आपने, संजय राउत। स्वागत करते हैं हर सवाल का बेधड़क, बिंदास और बेबाकी से, बेफिक्री से जवाब देने वाले राज्यसभा सांसद, सामना के एडिटर, जो सियासत की पिच पर कभी विरोधियों और कभी खुद को ही कर देते हैं आउट। टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में है संजय राउत। स्वागत है संजय जी, आइए प्लीज कम। संजय राउत जी के साथ स्टूडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं कार्तिकेय शर्मा, मेरे साथ हैं जयंत दा, जयंत घोषाल, अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ हैं, आर राजगोपालन जी हमारे साथ हैं, शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ हैं, और सामने हमारे वो एस्टीम्ड गेस्ट जो यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके आगे आनंद, प्रकाश, कुमार, विक्रांत, समीर और निधि, ये हमारे सहयोगी हैं। संजय जी स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए यहां पर बहुत सारे सवाल हैं, हमारे मेहमानों के सवाल हैं, कुछ मेरे सवाल हैं, कुछ वहां पर सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो संजय जी है आपसे, संजय जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तो सबको आना चाहिए, देश की हालत ऐसी है, अगर गुस्सा नहीं आ गया तो देश देश नहीं रहेगा, देश खत्म हो जाएगा। जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है, लड़ता है, उसको तो गुस्सा आना ही चाहिए, मैं तो नामर्दान ही है। और जिस भूमि से मैं आता हूँ वो हमेशा संघर्ष और लड़ाई वाली भूमि है। दिल्ली में बैठता हूँ, यहाँ भी संघर्ष देखता हूँ, गुस्से के सिवा जिंदगी कहाँ है? नहीं। संजय जी मुझे एक बात बताइए, मेरा दूसरा सवाल है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि आप उद्धव ठाकरे के संकट मोचक हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे कहते हैं कि आप उद्धव के लिए खुद एक बड़ा संकट है। देखिए जो भाग गया है, जो डर कर भाग गया है, वो हमारे बारे में बात ना करे तो ठीक है। मैं मेरे पार्टी के साथ हूँ, मैं उद्धव ठाकरे जी के साथ हूँ, मेरी पार्टी बाला साहब ठाकरे जी की बनाई हुई पार्टी है, मेरी पूरी जिंदगी पार्टी में चली गई। हम कभी संकट में भाग कर डर कर छुपे नहीं है, जाकर कहाँ दूसरे के शरण में नहीं गए, हम कभी जिंदगी में सरेंडर नहीं हो गए, घुटने नहीं टेके हैं। तो शिंदे क्या बोलेगा, डरपोक आदमी है। शिंदे डरपोक आदमी? हाँ डेफिनेटली। अरे आपकी पूरी पार्टी हिला दी उन्होंने? पार्टी हिलाने से क्या होता है, पार्टी ऐसी हिलती नहीं, दो पाँच दस MLA वहाँ वहाँ चले गए तो पार्टी जाती है क्या? पार्टी तो जमीन पर होती है, आप पता चलेगा चुनाव ले लो। अच्छा आपके बयान, आपने जैसे कहा शिंदे डरपोक आदमी, आपके बयान हमेशा आग लगाने वाले होते हैं, आप खुद आग लगा देने वाले बयान देते हैं। कुछ दिन पहले आपने एक शगुफा लेकर आए, आपने एक नारा दिया 50 खोखे एकदम ओके, ये क्या था? देखिए 50 खोखे एकदम ओके ये नारा जो है पूरे देश में घूम रहा है, और सही मायने में महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो यही है। हमारे जो MLA पार्टी छोड़कर चले गए वो 50-50 खोखे यानी 50-50 करोड़ पे बिक गए, ये पूरा देश जानता है। अरे तो ऐसा कैसे पार्टी के नेता थे कि आपके 50 खोखे में बिक गए? आजकल सब कुछ बिक जाता है, क्या नहीं बिकता है इस देश में, 7 साल में क्या नहीं बिका है। तो आप राउत साहब आप क्यों नहीं खरीद पाए? नहीं हमारा कोई व्यापार नहीं है ना राजनीति, हम कोई उद्योग या व्यापार करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। बाला साहब ठाकरे ने पार्टी उसके लिए नहीं बनाई थी, आप देखे क्या नहीं, एयरपोर्ट से लेकर सब कुछ बेच दिया, तो MLA MP भी बेच जाते हैं। अरे आप जाते हैं राव साहब, आप इतने बड़े क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, आपके 50-50 जो MLA वो चले जाते हैं, आपको पता नहीं लगता है, कानो कान खबर नहीं होती है? सबकी खबर थी और सबकी खबर लेंगे हम आने वाले दिनों में, सबकी खबर लेंगे भी, सबकी खबर लेंगे। ये जो गए हैं 50-50 खोखे में वो वापस विधानसभा में चुनकर आकर दिखाइए।
अच्छा आपने क्योंकि ये बात बोली है सबकी खबर लूंगा, तो मुझे याद एक चीज, आप बहुत धमकी देते हैं, अभी भी एक आपने धमकी दी है। मैं सिर्फ धमकी नहीं देता हूँ, मैं धमकी एक्शन में भी उतार कर दिखाता हूँ। तो आपने ये क्यों कहा था फिर धमकी के बहाने? आपने ये क्यों कहा था कि हम सिर्फ धमकी देने वाले लोग नहीं है, हम करने वाले लोग हैं। तो मुझे एक बात बताइए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, एक धमकी है और फिर धमकी के साथ आप ये कहते हैं मुझसे पंगा मत लेना, मैं नंगा आदमी हूँ। हाँ तो पंगा लेकर दिखाइए, जिसने भी हमसे, मैं मेरी बात नहीं करता हूँ, मैं शिवसेना की बात करता हूँ, हमसे पंगा लीजिए। अगर हम गलत है तो हम जरूर आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, लेकिन आप आएंगे हमारे सामने और चैलेंज करेंगे, अगर ये पंगा लेने की बात होगी तो हम भी आपको टक्कर देंगे। ओके ठीक है, राजगोपालन जी सवाल। नहीं संजय राउत साहब, हाँ आपने किसका चुना है, उद्धव ठाकरे है शरद पवार है, आपका नेता कौन है? हमारे नेता बाला साहब ठाकरे आज भी। नहीं अभी इस वक्त उद्धव ठाकरे। नहीं शरद पवार का एजेंट कह रहे सब लोग आपको। देखिए कहने में क्या होता है, शरद पवार साहब देश के बड़े नेता है, महाराष्ट्र से आए हैं, बाला साहब ठाकरे की भी बहुत करीबी उनकी दोस्ती रही है, अगर एक बड़े नेता के साथ रहने से हम कुछ सीख सकते हैं तो सीखना चाहिए। हम थोड़े उनके पार्टी में शामिल हो गए, हमने एक साथ सरकार भी बनाई है, आने वाले दिनों में हम उनके साथ वापस सरकार बना सकते हैं, तो उसमें एजेंट होने की क्या ज़रूरत है? आप और किसी को नहीं बोलेंगे एजेंट है, आप नरेंद्र मोदी जी के साथ जो लोग बैठे हैं कभी उनके साथ वैचारिक उनके मतभेद थे, आज एक साथ है, राजनीति में ये होता है। शिवसेना दोनों इकट्ठा होने का संभावना है, मर्जर होने का? कभी नहीं, शिवसेना एक ही है, उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे। एकनाथ शिंदे? नहीं शिवसेना एक ही है, उद्धव ठाकरे जी। एकनाथ शिंदे? जहाँ ठाकरे वहाँ शिवसेना, ब्रांड है ना ठाकरे एंड शिवसेना। वो सिंबल तो एकनाथ शिंदे के पास है, वो कागज पे चली गई है। कागज पे पार्टी बनती है क्या? पार्टी तो नीचे संगठन से बनती है। क्या आप ये कह रहे हैं कि भविष्य में कभी भी एकनाथ शिंदे से कोई समझौता नहीं होगा? ये जो बेईमान लोग होते हैं उनके साथ हमारा कभी संबंध नहीं रहता है। और अगर आपके पुराने विधायक वापस आना चाहें तो? नहीं लेंगे हम उनको। आप पुराने विधायकों को वापस नहीं लेंगे? कभी नहीं लेंगे। कल भी आपके एक विधायक चले गए? कौन चला गया? भूषण देसाई का बेटा। विधायक का बेटा, विधायक का बेटा। जाने तो ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, तो बीजेपी वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन में कुछ कम पड़ गया तो उठा उठा के सब डाल देते हैं कचरा, जाने दो ना। अच्छा एक बात बताइए, इस वॉशिंग मशीन में तो आप भी कई साल धुले? नहीं कभी नहीं, हम कभी नहीं। राव साहब एक बात बताइए मुझे, आपने कहा था कि 121 लोगों के नाम हैं, इनकी फाइल खुल गई तो बहुत सारे लोग देश से भाग जाएंगे, वो फाइल कहाँ है? फाइल ईडी के पास भेज दिया है, हिम्मत है तो एक्शन ले लो। कल ही मैंने एक मैटर जो है, एक प्रकरण जो है ईडी के पास भेज दिया है, देवेंद्र फडणवीस के पास भेज दिया है, करो हिम्मत है तो, ये सब उनके लोग हैं। लेकिन इस देश में, महाराष्ट्र में और भी राज्यों में जो अपने विरोधी है, जो अपने विचारधारा के लोग नहीं, उनके अगेंस्ट एक्शन हो रही है।